हेलो, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीड। आज की वीडियो में हम ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम लोग AI इमेजेस को आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं और उसको आराम से अपलोड कर सकते हैं और उससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फोटोज़, वीडियोज़, इलस्ट्रेशंस और AI इमेजेस को आप क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करें और आपको जैसे ही अप्रूव होंगी आपको फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर अप्रूवल का इतना कोई ज़्यादा लंबा मेथड नहीं होता, आराम से अप्रूव भी हो जाती हैं और ये AI भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको अपनी भी अर्निंग दिखाऊंगी और इस पर मैंने कितना काम किया है मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसका नाम है फ्री पे कॉन्ट्रीब्यूटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जब आप इस पे आ जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। इसके अंदर आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास गूगल का ऑप्शन आता है, एप्पल का या ईमेल का। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल से कर लें। अगर गूगल में आपके पास जीमेल सबकी होती है, अगर नहीं है तो आप ईमेल से कर लें। ठीक है, तो मैं गूगल से इसको साइन इन कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं होता गाइस, बस बहुत आसान सा मेथड है और ये 3 स्टेप में कंप्लीट भी हो जाता है। सही है, सबसे पहला मेथड है कि आपने बस ये पढ़े जाएगा, हमने नीचे आना है और आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा कि आपका नेम क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैं अपना नेम लिख लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट है वो आपने लिखनी है, यहाँ पे आपका जो कंट्री है वो आपने लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वगैरह हैं वो आपने लिखने हैं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से फिल कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने फिल कर लिया है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप 3rd स्टेप पे आ जाएंगे कि स्टार्ट अपलोडिंग। ठीक है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, स्टार्ट ऑनबोर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएगा आपकी प्रोफाइल में। टू बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर अपलोड एंड सेंड योर फर्स्ट 25 to 50 रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है 25 से 50 रिसोर्सेज आपने इनको सेंड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके इसमें से कोई भी एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये आपको अलाउ करेंगे कि आप यहाँ पे और अपलोड करें। और आपको यहाँ पे ये लोग सिर्फ 2 अटैम्प्ट देंगे, मगर आप एक बारी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास एक और चांस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि देखें वेक्टर इनके पास जो है EPS या SVG फाइल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जब भी आप वेक्टर अपलोड करें तो उन्होंने बोला आपके एक पास एक JPEG भी उसके आपने सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने PSD फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी इनकी रेजोल्यूशन वगैरह बताई हुई है इन्होंने। बाकी यहाँ पे आपने फाइल साइज देख लें, 1.5 से 250 MB तक हो सकता है। इसका 80 MB है वेक्टर का, बट PSD फाइल का ज़्यादा है। उसके बाद JPEG का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बाकी आपके यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आपका यहाँ पर AI है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको टाइटल डालना है, कीवर्ड वगैरह डालना है, ये हम अभी देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे अपलोड हो गई हैं, कितनी अपलोड की हैं, कितनी अंडर रिव्यू हैं, रिजेक्ट कितनी हुई हैं, पब्लिश कितनी हुई हैं। ठीक है, बस सिंपल सा यहाँ पे यही स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ पे अभी तो ये बना हुआ है यूरो, बट यहाँ पे जब आप अर्निंग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डॉलर बना हुआ आ जाएगा। यूरो में भी अर्न कर सकते हैं, डॉलर में भी, वो इनके जो है फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद ही पता चलता है। अब यहाँ पे आपने फाइल किस तरह से अपलोड करनी है, देखिए हम लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म में फाइल डालने वाले हैं वो जो है हम AI ही से जनरेट करेंगे। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म बताती हूँ कहाँ से हमने AI लेना है। उसके बाद हमने जाहिर सी बात है उसका साइज़, आपने जो AI जनरेटेड होती है उसका साइज़ जो है छोटा होता है काफ़ी और वो यहाँ पर अपलोड नहीं होती, तो आपने उसका साइज़ किस तरह से अप स्केल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम ले लिया है। यहाँ पे आपके पास इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है ये वाली वेबसाइट leonardo.ai, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको 150 टोकन मिलते हैं और आप इसको आराम से गूगल से साइन इन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देती हूँ इसकी।
ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको लॉग आउट करके फिर मैं इसको लॉग इन करती हूँ। ठीक है, तो ये लॉग इन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप इमेज क्रिएशन पे आ जाएंगे। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे आप इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जो है प्रेसेट जो है लियोनार्डो फिनिक्स ही रखना है, इसके अलावा आपने और कोई और नहीं रखें, या अगर आप कोई और रखना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे आप यही रखें। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इसको नहीं रखें, इसको आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है ऑटोमेटिक, वो आप रहने दें। प्रीसेट स्टाइल डायनेमिक है, वो भी रहने दें। यहाँ पे आप इमेज डायमेंशन, जैसे कि मैं 16:9 रखती हूँ, और यहाँ पे बाकी सारे जो है प्रीमियम वर्जन है उसको आपने नहीं छेड़ना है। पहले यहाँ पे था कि नंबर ऑफ इमेजेस आप 1-2 कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रीमियम कर दिया, आपके पास 4 ही क्रिएट होंगी। यहाँ पे आपने इसका प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट सोचा हुआ है तो मैंने वो इधर लिख दिया। बाकी आपने सिंपली यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट होते हैं, जब आपको क्रिएट हो जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि ये जो है आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके आपने इसको अप स्केल करना है। अप स्केल करने में कोई मसला नहीं होगा, कोई भी पिक्सल नहीं फटेंगे, कोई पिक्चर ख़राब नहीं होगी, मतलब बिल्कुल ही अच्छी पिक्चर रहेगी। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्रिएट भी कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी क्रिएट हुई। अब जैसे मैंने ये वाली एक पिक्चर यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था वो मैंने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करी, यहाँ पे जो है ना प्रॉम्प्ट लिखा है, उसके बाद जो है इन्होंने ये पिक्चर क्रिएट की। अब जैसे मुझे ये तीनों पिक्चर्स ही अच्छी लग रही हैं, बट मैं यहाँ पे एक ये वाली ले लेती हूँ, और मैं ले लेती हूँ ये वाली, ये दोनों पिक्चर्स मैंने ले ली। ठीक है, जो भी मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके आराम से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो पिक्चर्स ले लिए। अब यहाँ पे एक और वेबसाइट है, उसका नाम है upscale.media। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे आने के बाद अपलोड मीडिया के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे कि मेरी ये वाली इमेज है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे ही अपलोड होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो भी डायमेंशन होते हैं वो देखें। अब यहाँ पे जो है ना, ये इसने अपस्केल कर दिया है 2x। ठीक है, तो ये 2x अपस्केल हो गया, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको 4x। ठीक है, ताकि और ज़्यादा अच्छी और क्लियर हो जाए, और इसका साइज़ भी जितना बढ़ेगा आपके लिए उसमें ज़्यादा आसानी होगी। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारी जो है पिक्चर जो है वो बिग साइज़ की हो। ठीक है, ये हो गई इमेज। उसके बाद इन्हेंस क्वालिटी भी आप इसकी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं एक टिप भी बताऊंगी इसको यूज़ करने की। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ही जो है राउंड्स मिलते हैं इसको यूज़ करने के, बट आप इसको हर बार कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड इमेज के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड जैसे हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है अपलोड का। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्राउज़ करना है, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड हो गई। ये यहाँ पे तभी अपलोड होगी जब आपकी जो है इमेज 5 MB से या 1 MB से ज़्यादा की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सी अपलोडेड फाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने 25 से ज़्यादा ही अपलोड करिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अगर इसमें से एक दो रिजेक्ट भी हो गई तो आपको बाकी सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 25 तक के आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ तो हमने ये AI क्रिएट किया है, तो हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, जो भी हमने इसका प्रॉम्प्ट लिख के हमने ये क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका टाइटल ऑलरेडी इन्होंने ऑटोमेटिक जनरेट किया है, तो ये ठीक हुआ हुआ है। बाकी यहाँ पे कीवर्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गए, वो भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे टिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सबमिट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। यहाँ पे ये एक इमेज है, इस तरह से आपने 25 करेंगे और आपने इसको डायरेक्टली एक साथ ही सबमिट करनी है। मेरा इसलिए ऑन नहीं हुआ कि भाई उन्होंने कहा यू मस्ट हैव मिनिमम 25। ठीक है, जैसे ही 25 होंगी ये वाला ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारी यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है। एक दो दिन में इनका रिस्पॉन्स आ जाता है, और ये आपके अप्रूव भी कर देते हैं। अब बाकी यहाँ पे आपके पास स्टैट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपकी कितनी अर्निंग हुई और कितनी सेल हुई, और किस किस तारीख को, यहाँ पे आपको सारी डिटेल पता चलती रहेंगी। यहाँ पे कुछ रैंकिंग आएगी, ये जो है सेक्शन मेंटेनेंस में है फिलहाल। ठीक है, सर्च ट्रेंड, जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है आपके पास, आपकी जो भी नीच है जिस पे भी आप बना रहे हैं पिक्चर या क्रिएट कर रहे हैं सॉरी
तो यहाँ पे आपके पास पता चल जाएगा कि भाई ये वाले जो है ट्रेंड चल रहे हैं, आप इसके ऊपर बनाएं, इसकी आपकी जो है ज़्यादा सेल होगी, ये अच्छा है। यहाँ से मुझे आइडियाज़ भी होते हैं और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी यहाँ पे पिक्चर्स जो है आपके यहाँ से लेते, यहाँ से मतलब मैं आइडियाज़ ले लेती हूँ यहाँ से कि कौन से जो है ना यहाँ पे इन चल रहा है, और यहाँ से मैं पिक्चर, फिर मैं एक पिक्चर वगैरह क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च ट्रेंड वगैरह देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे विजुअल ट्रेंड्स वगैरह भी हैं, ये इतना देखने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। प्रोफाइल में आप यहाँ पे बाकी अपने जिस पे भी आप काम करते हैं उनके भी लिंक वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद बिलिंग या इनवॉइसेस आ जाता है, सही है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पास जो है आपको यहाँ पे अपनी वैलिड आईडी अपलोड करनी है, ठीक है। वैलिड आईडी अपलोड करेंगे तो ही जो है बाकी का आपका यहाँ पे काम वाम शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपने जो अपनी वैलिड आईडी यहाँ पे अपलोड करनी है, वो यहाँ पे जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर आपकी जो है अर्निंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आईडी नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर, पोस्टर को, सिटी वगैरह लिखना है। और बिलिंग मेथड यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पेपाल या पेयोनिया, इससे आप आराम से विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देती हूँ, ये हमारा सिंपल सा मेथड हो गया है, यहाँ पे आप आराम से जो है अर्निंग कर सकते हैं। मैंने एक महीने में कितनी अर्निंग करी, कितनी यहाँ पे फोटोज़ वगैरह अपलोड किए, फ़ौरन ही इंस्टेंट आपको जो है ना यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस पर यहाँ पे काम कर सकते हैं, और AI जनरेट मतलब आपको AI ही इमेज क्रिएट करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपने बहुत सोचना है, आपने क्रिएट करना है, आपने फोटोशॉप खोलेंगे या AI इलस्ट्रेटर खोलेंगे, आपने जो है बस डायरेक्टली यहाँ पे आपने इस वाले को Leonardo.AI यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको 150 जो है यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं, और हर दिन आपको मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे 150 आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे इसी तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो आप एक दिन में आराम से 10-12 पिक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अगर आप सही क्रिएट कर रहे हैं तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो पिक्चर क्रिएट कर ली हैं, दोनों ये मैं उठा के वहाँ डालूंगी, फिर उसके बाद बाकी मैं प्रॉम्प्ट्स लगा लगा के, तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी। आप स्केल करने का भी तरीका पूरा बता दिए। अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट दिखा दूँ, देखें ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक महीना काम किया, पिछले महीने का भी आ रहा है, देखें पिछले महीने 9 मेरे पास डाउनलोड हुए थे, यहाँ पे लास्ट मंथ की इनकम भी आ रही है, और यहाँ पे मैंने लास्ट मंथ 8 ही पिक्चर्स अपलोड की थी, बाकी फाइल इस मंथ मैंने 13 करी है, अभी तक मेरे 8 डाउनलोड हो चुके हैं। अर्निंग यहाँ पे कैसा होता है यार, यहाँ पे ना अर्निंग आपको अभी नहीं दिखती, लेकिन आपको जैसे ही दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाता है, न्यू मंथ, तो फिर आपकी अर्निंग यहाँ पे ऐड हो जाती है, फिर आपको यहाँ पे स्टैट्स में पता चल जाता है कि आपको कितनी किस पिक्चर पे कितने पैसे मिले और आपको यहाँ पे कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से होता है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई समझने की इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें, इस वीडियो में कुछ समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।